राजस्थान के बाड़मेर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं का है। मोदी जी ने कहा, आप देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और पीएम मोदी सबके साथ और विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है और पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। उन्होंने आतंकवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आतंकवाद की समस्या का समाधान। ऐसी ही कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।